हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू अवर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में गुड न्यूज़ मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। मेडिकल और सारे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए सब बच्चों के लिए है कि जो हमारे HRD मिनिस्टर हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने बोला है कि जो 10% जनरल रिजर्वेशन कोटा है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए वो इसी अकेडमी के यानी कि 2019 से स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई, ये एक गुड न्यूज़ है आप सब लोगों के लिए। और इसमें अच्छी न्यूज़ है वो ये है, जो स्टूडेंट सोच रहे थे SC ST OBC वाले कि इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं, इसके बाद इन्होंने एक और रीट्वीट करा है। ये सपोर्ट नीट का ट्वीट है, आप फॉलो करते होंगे शायद इन्हें, काफ़ी अच्छी न्यूज़ ये देते रहते हैं हमें। 10% EWS कोटा विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द अकेडमिक ईयर 2019-2020 itself इन 40,000 colleges and 900 universities without impacting the existing quotas for SCs, STs and OBCs and general seats. Additional seats will be created to implement this. तो guys, इसमें उन्होंने कहा है कि 40,000 colleges में पूरे देश के 900 universities में ये कोटा इसी academic year 2019 से जो है वो लागू हो जाएगा, और इससे कोई SC ST OBC और general को उनके existing कोटा में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, existing seats में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए एडिशनल सीटें वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी इस कोटा को अप्लाई करने के लिए। तो गाइस, अगर आप सोच रहे थे कि इससे हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है अगर आप SC ST और OBC से आते हैं, तो इससे आपकी सीट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि कुछ सीटें इंक्रीज़ होंगी जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। तो गाइस, ये थी आपकी आज की गुड न्यूज़। तो गाइस, ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।